सो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है मैंने, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने नया कैमरा ख़रीद लिया है, सोनी A6400। तो पहले हम कैमरे की अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर वापस यहाँ पे आके मैं आपको ये बताऊँगा कि स्पेसिफ़िकली मैंने ये कैमरा क्यों ख़रीदा है, आई मीन ये कैमरा क्यों चूज़ किया है। तो ये हमने परचेज़ किया है मुनीर फोटो से, राजा बाज़ार लियाकत रोड पे है, सोनी A6400। इसको हम देखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। मैनुअल, ये चार्जर है, दिस इज आवर कैमरा। ये सोनी का 1650 किट लेंस है, इसके साथ ही आता है। ये मोनोपॉड प्लस ट्राईपॉड है, आप इसको अलग कर सकते हैं। सो इस पे बेसिकली आप कैमरा लगा के आप व्लॉग कर सकते हैं, सिंपल सा है, मतलब ट्राईपॉड की जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओ ये इसकी आवाज है, ये है किस लिए वैसे? अच्छा ये इसके लिए है, ये वैसे फजूल चीज नहीं है अटैच की हुई है। सो माइक अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरह लगता है, और इंशाल्लाह इसे आगे आने वाले ब्लॉग सारे इससे शूट करेंगे। बैक टू द स्टूडियो। ओके, सो फाइनली द रीज़न वाई आई चूज सोनी A6400 इज बिकॉज मैं मोस्टली वीडियो मेकिंग में इंटरेस्टेड हूँ। फोटोज, टू बी ऑनेस्ट, मुझे फोटोग्राफी नहीं आती, और फिल्म मेकिंग और वीडियोस का मेरा शौक है। तो मेरे ख्याल से, मेरी रिसर्च के मुताबिक, सोनी A6400 जो है वो वीडियो मेकिंग में सबसे बेस्ट कैमरा है मेरे बजट में। वैसे तो बेस्ट कैमरा आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि बेस्ट कैमरा कौन सा है। आपके बजट में आपके लिए बेस्ट क्या है वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जिस पे मैंने फोकस किया था जब मैं रिसर्च कर रहा था। सबसे पहले ऑटो फोकस, जैसे आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड ब्लर है और मेरा जो फेस है, आई होप वो फोकस पे हो। दूसरा ये कि 1080 में 120 FPS, 4K में ज़बरदस्त बेस्ट क्वालिटी। यूट्यूब पे इसके रिव्यूज़ देख लें, काफ़ी डिटेल में, इतना टेक्निकल मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वीडियो मेकिंग में मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन थी मेरे बजट में। तो इंशाल्लाह आगे जो आने वाले व्लॉग्स हैं या फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स जो मेरा इरादा है बनाने का, तो वो सोनी A6400 से ही हम बनाएंगे फ़िलहाल के लिए, अभी प्रेजेंट, मतलब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। रेड मुंह से नाम भी नहीं निकल रहा, औकात ही नहीं है ना।